हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, मेरे यहाँ बहुत सारे कपड़े निकले हुए थे। मैंने साफ़ सफाई की थी थोड़ी बहुत अपने बेड के कवर में। मेरे कपड़े बंधे हुए रहते हैं जो फटे पुराने होते हैं वो, तो सारे के सारे जो कपड़े थे फटे पुराने थे, जो बिल्कुल भी पहनने लायक नहीं थे ना ही किसी को देने लायक थे, वो मैंने सारे के सारे कपड़े इकट्ठे कर लिए। अब इनका मैं बहुत ही खास आइडिया बनाने वाली हूँ, वो भी दो। और आप लोग को अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए, स्टार्ट तो हमने कर ही दिया है तो कहने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए, इसमें जो सारे जो कपड़े हैं हमारे, इसमें जो बटन वगैरह लगे हुए हैं, चैन वगैरह लगी हुई हैं, उनको आपको निकाल लेना है, क्योंकि जो आइडिया हम बनाने वाले हैं ना वो फिर चुभेंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। थोड़े बहुत कपड़ों में होते हैं बटन वगैरह, तो अब देखिए कुछ पेटीकोट हैं, सूट हैं मेरे जो बिल्कुल भी फटे हुए, मतलब फट जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं। और जो वैसे अलग से यूज में लेने के थे वो मैंने अलग अलग कर दिए, जो बिल्कुल ही बेकार थे। बेकार तो जो साइड में निकाल रही हूँ वो भी हैं खैर, लेकिन इनके मैं अलग अलग एक एक करके आइडिया शेयर करूँगी कुछ ऐसे भी। अब देखिए, एक मैंने लिया तकिया का कवर। अब जो भी हमारे बेकार बेकार से कपड़े हैं उनको हमें इसमें फिल कर देना है। तो देखिए, जो जो मुझे अच्छा लगता जा रहा है कि मैं तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि इससे मैं अलग से कुछ बना लूँगी, वो मैं कपड़े अलग निकालती जा रही हूँ। जो बिल्कुल बेकार हैं, जो मेरे दिमाग में कुछ है ही नहीं है कि इनका कुछ बन भी सकता है, वैसे तो बन सकता है, लेकिन अब इतने कपड़े कहाँ से मैं यूज करूँगी, कितने वीडियो बनाऊँगी फिर भी। और बहुत सारे मैंने अलग निकाल के भी रख दिए हैं जो मैं अलग से वीडियो बना सकती हूँ, आप लोग के साथ शेयर कर सकती हूँ। और कुछ ऐसे भी कपड़े हैं जो देने लायक हैं, जो मैं दे सकती हूँ लोगों को, जो पहन सकते हैं उनको। और साड़ी सूट वगैरह जो अच्छे अच्छे हैं वो मैंने निकाल दिए हैं। आप देखिए, इसमें मैंने अच्छी तरीके से फिल कर दिया। अच्छी तरीके से आपको इनको दबा के अच्छे से सेट कर देना है, ज़्यादा ठोस नहीं भरना है आपको तकिया को। हम तकिया ही बनाने वाले हैं तो ज़्यादा ठोस भर दोगे ना तो मतलब बहुत ज़्यादा ठोस ठोस सा हो जाएगा, लगाने वाला भी बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहेगा। तो आपको तकिए को सॉफ्ट ही रखना है। और देखिए, इस तरीके से जो ऊपर का जो स्कर्ट है, ये ऊपर नेट सी लगी हुई थी वो ख़राब हो गई थी, लेकिन जो अंदर का कपड़ा था ये अच्छा लग रहा था मुझे। अब मैंने सोचा इसका मैं अलग से कुछ बना लूँगी, लेकिन जो ऊपर का जो कपड़ा था वो बेकार हो चुका था, उसको भी फिल कर दिया। बहुत सारे कपड़े मेरे ऐसे ही यूज में ले लिए मैंने। और भी आइडिया आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं, अगर आपने नहीं देखे हो तो देख लेना, मेरे चैनल में जाके आप लोग को पुराने कपड़ों से रिलेटेड भर भर के वीडियो मिल जाएंगी मेरे इसी चैनल पे, आप अंदर जाके तो देखिए एक बार। अब चलिए, इसको हमें सिल देना है सुई धागे की मदद से। हमें इसमें बिल्कुल भी सिलाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने सिला हुआ तकिया का कवर लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो क्या है, फटाफट से तीन सिलाई लगाई और तकिया कवर रेडी। क्या करना है आपको, बहुत जल्दी सिल जाता है कवर। तो वैसे भी कोई भी पुरानी बेडशीट ले लीजिए, या फिर साड़ी ले लीजिए, सूट ले लीजिए, दुपट्टा ले लीजिए, या फिर शर्ट ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, उससे आपका तकिया बनके रेडी हो जाएगा। और सिलाई लगाने के दो तीन सिलाई लगानी है केवल। अब देखिए, इस तरीके से हमें इसको बंद कर देना है, जो इसका मुंह है खुला हुआ है अभी, इसको हमने इस तरीके से बंद कर दिया। और दोनों आइडिया है बहुत ही प्यारे हैं, दोनों ही आइडिया यूजफुल हैं। और आप गद्दा भी बना सकते हो बच्चों के लिए, बिछौनी भी बना सकते हो, बहुत सारे आइडिया होते हैं। अगर आपको और भी आइडिया चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आप लोग के साथ भर भर के वीडियो पुराने कपड़ों की शेयर करती रहूँगी आपके भी। अब ये देखिए, मैंने ये तकिया को तो रेडी कर दिया। अब एक और पुराना मेरे पास तकिया का कवर पड़ा हुआ था, अब मैंने सोचा इसको हम डबल कर देते हैं, ताकि अगर गंदा भी हो जाए तो ऊपर का उतार लीजिए और धो दीजिए, अंदर का हमें धोने का काम ही नहीं है। वैसे तो पूरा के पूरा हमारा तकिया वॉशेबल है, लेकिन इतना मोटा तकिया थोड़ी ना डालेंगे धोने के लिए, तो इसीलिए ऊपर का कवर उतार के हम धो सकते हैं इजीली। अब चलिए, दूसरा आइडिया भी आप लोग को बता देते हैं, जो हमने बना के रखा हुआ है और इसका वीडियो भी हमने शेयर कर दिया है ऑलरेडी, जो मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ। तो दो आइडिया इस तरीके से आप बना सकते हो। अगर आपको उसका लिंक चाहिए वीडियो का जो मैं दिखाने वाली हूँ उसका, तो देखिए ये मैंने बनाया है फ्लोर सोफ़ा। तो ये आप
बैठने उठने के काम में ले सकती हूँ। बच्चों को बहुत ही पसंद आता है, मुझे तो इस पर बैठने के बाद नाचना आ गया क्योंकि मुझे बहुत ही सॉफ्ट लग रहा था। इसका वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, फ्लोर सोफे का मैं वीडियो शेयर कर दूंगी। अब देखिए मैं तो सो गई, अब चलिए बाय बाय करते हैं, आप लोगों से विदा लेते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, बाय बाय।